हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धानुका एग्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं बनाना की इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं बनाना में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डिजीज लगती हैं। सबसे पहले डिजीज होती है पनामा विल्ट। पनामा विल्ट एक मेजर डिजीज होती है और बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती है। उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम सब स्पीशीज क्यूबेंस। क्यूबेंस का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ बनाना को अटैक करेगी, वो पर्टिकुलर बनाना होस्ट को अटैक करेगी। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम सब स्पीशीज क्यूबेंस। ठीक है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। जो बनाना विल्ट होता है वो कैसा टाइप का फंगस होता है? सॉइल बॉर्न होता है, सॉइल बॉर्न फंगस होता है। और वो प्लांट में एंट्री कैसे लेता है? एंट्री वो लेता है रूट्स के थ्रू, वुंड्स के थ्रू, या फिर जो नेमाटोड्स जो हैं कुछ घाव पैदा कर देते हैं, जब नेमाटोड अटैक करते हैं तो उनके थ्रू जब वो वुंड्स क्रिएट करते हैं तब वो क्या करता है? एंट्री लेता है। ठीक है, डिजीज सबसे ज्यादा सीरियस कहाँ होती है? जहाँ पे पुअरली ड्रेन्ड सॉइल होता है, जहाँ पे सॉइल का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होता, पानी का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होता जो सॉइल में, वहां पे ये डिजीज लगती है। डिजीज फैलती कैसे है? इन्फेक्टेड सकर्स के थ्रू। सकर्स जो रहता है वो बनाना में मेजर प्लांटिंग मटेरियल होता है, उसके थ्रू डिजीज फैलती है। ठीक है, अब डिजीज का सिम्टम्स क्या क्या होता है? येलोइंग ऑफ लोअर मोस्ट लीव्स स्टार्टिंग फ्रॉम मार्जिन टू मिड रिब ऑफ लीव्स। इसका मतलब ये होता है कि येलोइंग कैसे शुरू होती है? जो सबसे नीचे की लीव्स होती है वहां से चालू होता है येल्लो होना। और कैसे चालू होता है? ये लीव है तो ये पत्तों की पहले मार्जिन्स को पूरा पीला करेगा और फिर मार्जिन्स के बाद ये आएगा मिडरिप के हिस्से में। ठीक है, तो कैसे येलोइंग होती है? मार्जिन से शुरू होकर मिडरिप में आती है। और कौन सी लीव से चालू होता है? लोअर लीव से। ठीक है, और येलोइंग जो होती है वो पूरा ऊपर की तरफ एक्सटेंड होते जाती है और धीरे धीरे पूरा येल्लो हो जाता है। विल्ट का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ना। तो पूरा पीला पड़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है? सूखा पड़ना। फाइनली हार्ट लीफ अलोन रिमेन्स ग्रीन फॉर सम टाइम एंड इट इज ऑल्सो अफेक्टेड। हार्ट लीफ जो मेजर सेंटर लीफ होती है वो भी थोड़ा टाइम के लिए ग्रीन रहती है, बट वो भी बाद में अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, लीव्स जो रहती है वो टूट जाती है बेस के पास से, जहाँ पे उसका अटैचमेंट पॉइंट होता है वो वहां से टूट के हैंग हो जाती है सूडो स्टेम के पास। सूडो स्टेम आगे देखेंगे क्या होता है। उसके बाद क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ सूडो स्टेम। ये क्या होता है बनाना में? सूडो स्टेम होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पे जहाँ पे अटैचमेंट पॉइंट होता है उस हिस्से को सूडो स्टेम बोलते हैं। सूडो स्टेम का अगर सेक्शन व्यू देखेंगे तो ये होता है पूरा सूडो स्टेम बनाना का। तो इसका क्या होने लगता है? लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ स्यूडो स्टेम इसका क्या होता है? मेजर सिम्टम होता है। तो अपन ने क्या क्या सिम्टम देखा? कि येलोइंग ऑफ लीव्स कहाँ से शुरू होती है, येलोइंग शुरू होती है कहाँ से? ऊपर नीचे लोअर पार्ट से चालू होके ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर की तरफ बढ़ने में पहले चालू होती है मार्जिन से, मार्जिन से येल्लो होके फिर मिडरिप की तरफ आती है, क्योंकि ये पहले येल्लो हो चुकी है इसलिए अब वो सूखने लग गई है, और ये बाद में येल्लो हो रही है इसलिए उसे अभी ये नहीं सूखी है। ठीक है, ये स्यूडो स्टेम के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से हैंग हो जाती है, गिरने लगती है। और ये जो उसके वस्क्यूलर बंडल्स होते हैं, ये वस्क्यूलर बंडल्स, उनमें डिस्कलरेशन होता है रेडिश ब्राउन टाइप का। ठीक है, और स्यूडो स्टेम की लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है, ऐसे ऐसे स्प्लिट होने लगते हैं स्यूडो स्टेम। ये हमने देखा सिम्टम्स किसका? पनामा विल्ट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैथोजन क्या होता है। इसका जो पैथोजन होता है वो फंगस होता है। फंगस सॉइल बॉर्न होता है। जो फंगस का माइसीलियम होता है वो कैसा होता है? सेप्टेट होता है, हाइलीन होता है, ब्रांच्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा जो फंगस होता है वो माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया और क्लमाइडोस्पोर्स, ये तीनों चीजें प्रोड्यूस करता है। ठीक है, माइक्रोकोनिडिया कैसा होता है? सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेप्टेट होता है, और हाइलीन और इलेप्टिकल शेप का होता है, इलेप्टिकल या ओवल होता है, हाइलीन होता है। मैक्रोकोनिडिया कैसा होता है? शिक्कल शेप्ड होता है। उसके अलावा टर्परिंग एट बोथ द एंड्स। टर्परिंग एट बोथ द एंड्स का मतलब होता है कि सपोज ये कोनिडिया है तो ये यहाँ से पॉइंटेड है और ये यहाँ से पॉइंटेड है, दोनों साइड से पॉइंटेड होते हैं। और उसमें सेप्टेशन कितनी होती है? 3 से 5 सेप्टेशन, 1 2 3, ऐसे टाइप के सेप्टेशन होते हैं उनमें।
क्लमाइडोस्पोर्स कैसा होता है? क्लमाइडोस्पोर्स होता है थिक वॉल्ड होता है, स्फेरिकल टू ओवल होता है, हाइलीन होता है और स्लाइटली येलोइश कलर का होता है। कौन होता है ये? क्लमाइडोस्पोर्स हो गया। अब मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल, डिजीज फैलती कैसे, तो इसका पैथोजन कैसा होता है? सॉइल बॉर्न होता है। क्लमाइडोस्पोर्स जो होता है वो सॉइल में लंबे टाइम के लिए सर्वाइव करता है और वही क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है? इन्फेक्टेड राइजोम्स, राइजोम्स या फिर सकर्स जो होते हैं वो क्या कॉज करते हैं? प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसके अलावा जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो कैसे होता है? इरीगेशन वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। इसके अलावा अब बार बार अपन कंटिन्यूअस कल्टीवेशन करेंगे इन्फेक्टेड राइजोम्स का या फिर सकर्स का, तो क्या होगा, नेक्स्ट सीजन के लिए इनोक्युलम बिल्ड होते जाएगा। इनोक्युलम बिल्ड होगा तो वही वही नेक्स्ट सीजन में डिजीज कॉज करते जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपन इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए अपन जो इसके ससेप्टिबल कल्टीवर्स होते हैं उनको अवॉइड करेंगे। ससेप्टिबल में कौन कौन से आते हैं? रसथाली हो गया, मोंथन हो गया, रेड बनाना हो गया, वीरूपक्षी हो गया, ये सारे क्या हैं? इसके ससेप्टिबल कल्टीवर्स है, तो अपन इसको अवॉइड करते हैं। उसके अलावा अपन रेजिस्टेंट कल्टीवर्स लगाते हैं। रेजिस्टेंट में अपन क्या लगाते हैं? पोवन लगाते हैं, ठीक है। पोवन जो रहता है वो उसके लिए क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है। उसके अलावा रोबस्टा जो होता है वो भी रेजिस्टेंट होता है। तो वेराइटी हो गई रेजिस्टेंट वाली, और ससेप्टिबल होती है रसथाली, मोंथन, रेड बनाना एंड वीरूपक्षी, ये अपन अवॉइड करेंगे, ठीक है। और नेमाटोड भी जो रहता है वो वुंड से फैलने देता है बीमारी, तो अपन क्या करेंगे, नेमाटोड के लिए कार्बोफ्यूरन ग्रैन्यूल्स का स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कॉम्स होते हैं, कॉम्स या सकर्स होते हैं, उसमें कार्बेंडाजिम इंजेक्ट कर सकते हैं इन्फेक्टेड वाले में, ठीक है, ताकि वो जो डिजीज है वो उसको फैलने मत दे, इन्फेक्ट मत हो सकर्स। कब कब स्प्रे कर सकते हैं? फिफ्थ और सेवेंथ मंथ में अपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये था अपना क्या, पनामा डिजीज। अब होगा मोकोविल्ट। मोकोविल्ट भी क्या है? एक विल्ट है, और मोकोविल्ट भी एक मेजर डिजीज है बनाना का। इसको कौन कॉज करता है? स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम। स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम ये क्या होता है? बैक्टीरियल डिजीज होता है। पनामा विल्ट कैसा डिजीज है? फंगल डिजीज है। पर मोकोविल्ट कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो मोकोविल्ट को कौन कॉज करता है, ठीक, इसमें इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कॉज कौन करता है वो तो पता चल गया अपन को। कौन कॉज करता है? मोकोविल्ट। मोकोविल्ट कॉज करता है स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम, ठीक है, बैक्टीरिया होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? लीव्स बिकम येलो एंड प्रोग्रेस अपवर्ड। सेम यही है कि लीव जो रहती है वो पीली पड़ती है। कहाँ से? बेस, मतलब नीचे से स्टार्ट होंगी और ऊपर की तरफ बढ़ेंगी। द पीटियोल ब्रेक्स एंड लीव्स हैंड्स। जहाँ पे पीटियोल क्या होता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, जहाँ पे पत्तियां अटैच होती है। जैसे ये लीफ है अगर, तो ये वाला जो पॉइंट है ना जहाँ से लीफ अटैच है उसको पीटियोल बोलते हैं। तो ये जो पीटियोल है वहां से वो टूट के हैंग हो जाएंगी, लटक जाएंगी। वेन इट इज कट ओपन, डिस्कलरेशन ऑफ वस्क्यूलर रीजन विथ पेल येलो टू डार्क ब्राउन कलर। जब अपन उसको ऐसे बीच से काटेंगे, ठीक है, जब स्टेम्स वगैरह को, तब क्या देखने को मिलेगा? वस्क्यूलर बंडल्स में डिसकलरेशन देखने को मिलेगा, पेल येलो से डार्क ब्राउन। ये डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है, पेल येलो कलर, इस टाइप के अपन को क्या मिलेंगे? वस्क्यूलर बंडल के डिसकलरेशन देखने को मिलते हैं। डिसकलरेशन इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कॉर्म, इंटरनल रूट्स ऑफ फ्रूट विथ डार्क ब्राउन डिसकलरेशन। ये अपन को जो इंटरनल ये फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स में डार्क ब्राउन डिस्कलरेशन है, पूरे डार्क हो गए हैं। उसके अलावा जो सेंट्रल स्टेम है, ये सेंट्रल पोर्शन है, उसमें कैसा डिस्कलरेशन है? उस पे भी ब्राउन कलर का पूरा डिस्कलरेशन है। व्हेन द स्यूडो स्टेम इज कट ट्रांसवर्सली, ये स्यूडो स्टेम है, अगर अपन इस स्यूडो स्टेम को ऐसा ट्रांसवर्स काटेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? बैक्टीरियल ऊज देखने को मिलेगा। बैक्टीरियल ऊज क्या होता है? जो बैक्टीरिया का गम लाइक सिक्रीशन होता है वो बैक्टीरियल ऊज होता है। तो अपन को क्या देखने को मिलता है? बैक्टीरियल ऊज देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख है सर्वाइवल एंड स्प्रेड। तो ये बैक्टीरिया जो रहता है इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल, इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल क्या क्या हो गया, सकर्स या राइजोम्स, उसमें सर्वाइव करता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव ऑर्गेन्स में, सकर्स, राइजोम, कॉम्स, ये सब में सर्वाइव करता है। वाइल्ड होस्ट में सर्वाइव करता है और सॉइल में रहता है, ठीक है। इसके अलावा फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या चाहिए उसको? उसको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए हाई टेम्परेचर, हाई सॉइल मॉइस्चर, ये दोनों चीजें क्या करती हैं? फेवरेबल कंडीशंस होती हैं।
पैथोजन कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप्ड होता है, वन पोलर फ्लैजेला। अब ये जो बैक्टीरिया रॉड शेप्ड है तो इसमें सिर्फ एक ही फ्लैजेला होगा, ये क्या था इसका बैक्टीरिया। अब हम इस डिजीज का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज का सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है एंटीबायोटिक का यूज करना। तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ इसको मैनेज करने के लिए। उसके अलावा इन्फेक्टेड प्लांट को इरेडिकेट करना फील्ड से, एक्सपोज सॉइल टू डायरेक्ट सनलाइट, अपन डायरेक्ट सनलाइट में भी सॉइल का एक्सपोजर कर सकते हैं, क्लीन प्लांटिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन को अपन यूज कर सकते हैं, फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन ऑफ प्रूनिंग टूल्स, अपन जो भी प्रूनिंग टूल्स यूज कर रहे हैं, जो भी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं उसको अपन डिसइंफेक्ट करके यूज करेंगे, ठीक है। और अपन प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि पानी मत रुके और डिजीज मत फैले। तो ये क्या था अपना मोकोवेल्ट ऑफ बनाना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सिगाटोका। सिगाटोका भी एक बहुत मेजर डिजीज है। सिगाटोका कौन कॉज करता है? माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला। कौन कॉज करता है? माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला। दूसरा नाम क्या है इसका? सर्कोस्पोरा म्यूजिक, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ये डिजीज आई कहाँ से थी? सबसे पहली बार इस डिजीज को फिजी में पाया गया था, फिजी कंट्री है, वहां पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 1963 में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ऑन लीव्स स्मॉल लाइट येलो और ब्राउनिश ग्रीन नैरो स्ट्रीक अपीयर्स। जो लीव्स है ना उसपे बहुत छोटी छोटी, देखो ये जो लाइट येलो ब्राउनिश टाइप की बहुत छोटी छोटी स्ट्रीक्स के फॉर्म में अपीयर हो रही है, ठीक है। वही स्ट्रीक धीरे धीरे बड़ी होते जाएंगी, ब्राउन कलर की होंगी और वो क्या बनाएंगी, येल्लो हॉलो बनाएंगी, येल्लो हॉलो बनाएंगी और वो ब्राउन और ऑरेंज स्पॉट्स बनाएंगी, ऑब्लॉन्ग ऐसे लॉन्ग लंबे टाइप के ओवल टाइप के शेप हो जाएंगे उसके। फिर ब्लैक स्पेक्स ऑफ फंगल फ्रूटिफिकेशन अपीयर ऑन द इन्फेक्टेड लीव्स। ये जो लीव्स है ना जहाँ पे इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्टेड पार्ट में फंगस क्या करेगा, अपना फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करेगा। ये पूरी लीफ इन्फेक्टेड है तो इस एरिया में क्या करेगा, ये फंगस अपना फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करेगा। रैपिड ड्राइंग एंड डिफोलिएशन ऑफ द लीव्स। अब पत्तियों का क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी डिफोलिएशन होते जाएगा, ठीक है, पत्तियां गिरते जाएंगी, सूखते जाएंगी और गिरते जाएंगी। तो पैथोजन कैसा है इसका? कोनिडिया कैसा है इसका? इलोंगेटेड है, नैरो है, मल्टीसेप्टेट है। कैसा है कोनिडिया? इलोंगेटेड है, नैरो है एंड मल्टीसेप्टेट है, ठीक है। उसके अलावा इसका पेरिथीशिया कैसा है? पेरिथीशिया या स्यूडोथीशिया क्या होती है? इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। ये स्यूडोथीशियम या पेरिथीशियम क्या होती है? इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, इसमें ब्लैक कलर की एस्की प्रोड्यूस होती है। एस्की से क्या बनते हैं? इसको स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं? अब्लॉन्ग होते हैं और क्लैवेट होते हैं। एस्कोस्पोर्स आर वन सेप्टेड हाइलिन ऑप्ट्यूज विद अपर सेल्स स्लाइटली ब्रॉडर। कैसे होते हैं एस्कोस्पोर्स? वन सिंगल सेप्टा होता है उनमें, हाइलिन होते हैं, ऑप्ट्यूज होते हैं और उनके अपर सेल जो रहते हैं ना वो थोड़े ब्रॉड होते हैं, ठीक है। तो ये उसकी डिजीज साइकिल। ये जो एस्कोस्पोर्स है ना वो एंट्री कैसे करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। अब वो इन्फेक्शन क्रॉस करते हैं तो ब्राउनिश स्ट्रीक्स बनाते हैं, ब्राउनिश स्ट्रीक्स बनाते हैं, ठीक है। डार्क होते हैं और वो पूरा नार्कोटिक टिश्यूज बना लेते हैं, पूरी लीफ को ऐसे कवर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेक्सुअल स्टेज में स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्माटिया बनाते हैं। फिर वो स्पर्मेटोगोनिया फर्टिलाइज करके क्या बनाता है, स्यूडोथीका जो रहता है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। इस स्यूडोथीशियम में क्या होता है, एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। वो जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ना वो विंड से डिस्पर्स होके नए प्लांट को अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था इसका लाइफ साइकिल। इसमें मेन क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रूटिंग बॉडी जिसका नाम होता है क्या, स्यूडोथीशिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन येल्लो एंड ब्लैक सिगाटोका। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, येल्लो सिगाटोका और ब्लैक सिगाटोका। पैथोजन क्या होता है, माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला। किसका होता है, येल्लो सिगाटोका का। और ब्लैक का क्या होता है, माइकोस्फेरेला फिजेनेसिस। फिजेनेसिस किसका होता है, ब्लैक सिगाटोका का। उसके अलावा दूसरा नाम क्या होता है इसका, स्यूडो सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला। और इसका क्या होता है, स्यूडो सर्कोस्पोरा फिजेनेसिस, ठीक है। एसेक्सुअल स्टेज क्या होता है, जो इनमें एसेक्सुअल स्टेज होते हैं वो अबंडेंट ऑफ कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया कहाँ बनते हैं, कोनिडियोफोर के ऊपर बनते हैं, क्लस्टर्स में होते हैं।
जैसे ये है ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरे क्लस्टर्स में कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं, और जब वो क्लस्टर्स में एक साथ बनते हैं तो उस फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं स्पोरोडोकिया। उस फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं? स्पोरोडोकिया बोला जाता है, ठीक है। और वो कहाँ पे बनाते हैं? लीफ के दोनों सरफेस पे बनाते हैं। पर जो ब्लैक सी का टोका होता है, इसमें सिर्फ लोअर सरफेस पे कोनिडियोफोर्स में कोनिडिया बॉर्न होते हैं, पर थोड़ा ही होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में, एक साथ क्लस्टर नहीं बनाते उसमें, ठीक है। इसके होस्ट कौन होते हैं? कैवेंडिश बनाना, कैवेंडिश ग्रुप जो होता है बनाना का, ट्रिपल ए जीनोम का, वो हाईली ससेप्टिबल होता है, उसमें बहुत जल्दी अटैक करते हैं। और मोस्ट कुकिंग बनाना जो होते हैं और प्लांटेन्स होते हैं, ए ए बी और ए बी बी, ये रिलेटिवली रेजिस्टेंट होते हैं, किसके लिए? येलो सिगाटोका के लिए। और उसी तरफ जो डेजर्ट बनाना, कुकिंग बनाना, ये सारे बनाना हो गए, प्लांटेन प्लांटेन्स हो गए, ये सब ससेप्टिबल होते हैं, किसके लिए? ब्लैक सिगाटोका के लिए, ठीक है। सिम्टम्स में क्या होता है? अर्ली स्ट्रीक्स और पेल येलो, जो उसमें स्ट्रीक्स बन रही थी ना, वो येल्लो वाले में तो पेल येल्लो बनेगी, बट ब्लैक वाले में डार्क ब्राउन बनती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा एपिडेमोलॉजी में ये कूल वेदर में ज्यादा कॉमन होते हैं, और ये वार्म वेदर में ज्यादा कॉमन होते हैं। वार्म वेदर में कौन से वाले? ब्लैक वाले, और येलो वाले कहाँ पे होते हैं? कूल वेदर में। इनोक्युलम, वाटर डिस्पर्स्ड कोनिडिया एंड विंड डिस्पर्स्ड एस्कोस्पोर्स, कोनिडिया कैन नॉट बी डिसलॉज्ड बाय विंड। इसमें जो डिस्पर्शन होता है ना, वो वाटर से कोनिडिया का मूवमेंट होता है, और विंड से किसका होता है? एस्कोस्पोर्स का होता है, ठीक है। कोनिडिया विंड से नहीं मूव करता। एस्कोस्पोर कितने दिन में मेच्योर होते हैं? 4 हफ्तों में, आफ्टर द अपियरेंस ऑफ लीव स्ट्रिक्स। लीव स्ट्रिक्स बनने के बाद एस्कोस्पोर्स में फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं, तो उसकी मेच्योरिटी कितने दिन में आती है? 4 हफ्तों में। पर इसमें जो रहता है ना, वो मेनली सिर्फ विंड बॉर्न एस्कोस्पोर्स होते हैं, उसमें कोनिडिया एयरबॉर्न नहीं होते, वाटर डिस्पर्स नहीं होते, विंड बॉर्न क्या होते हैं? सिर्फ एस्कोस्पोर्स होते हैं। और कोनिडिया जो रहते हैं वो दोनों तरह के हो सकते हैं, सिर्फ वाटर नहीं होते, बट ये वाटर या विंड दोनों टाइप के हो सकते हैं। एस्कोस्पोर्स कितने दिन में मैच्योर होते हैं? 2 हफ्तों में मैच्योर होते हैं, स्ट्रीक्स बनने के बाद। तो ये हमने क्या देखा? डिफरेंस देखा येलो सिगाटोका और ब्लैक सिगाटोका के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट कैसे करेंगे। रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अफेक्टेड लीव्स, जितनी भी अपन को दिख रही है पत्तियां, कि जहां जहां पे सिम्टम्स लगे हैं उसको अपन वहीं फील्ड से तुरंत हटा देंगे, ताकि वो डिजीज और मत फैले। उसके अलावा हम प्रोपाकोनाजोल, कार्बेंडाजिम या क्लोरोथैलिलोन कर सकते हैं स्प्रे। प्रोपाकोनाजोल हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, या क्लोरोथायालिनोल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। 0.25% इसका, कार्बेंडाजिम का 0.1% हो गया, ये सब क्या हो गया? स्प्रे हो गया। उसके अलावा अपन वेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे टीपॉल हो गया, सैंडोविट हो गया, ये सारे को अपन 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर में अपन क्या कर सकते हैं? मिक्स करके क्या कर सकते हैं? स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या देख लिया? इसका मैनेजमेंट देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं बंजी टॉप ऑफ बनाना। बंजी टॉप ऑफ बनाना जो है, ये कौन कॉज करता है? ये एक वायरस के थ्रू होता है। एक ऐसे डिजीज है, वायरल डिजीज है बनाना की, ठीक है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? द डिजीज इज कवर्ड बाय डोमेस्टिक क्वारंटाइन रेगुलेशंस। बनाना की कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें डोमेस्टिक क्वारंटाइन है या रेगुलेशंस है उसको ट्रांसपोर्ट के लिए? तो वो कौन सी डिजीज है? बंजी टॉप ऑफ बनाना। ये डैमेज कॉज करती है, लॉसेस 4 crore every year and 100% loss occur if infected suckers are planted. अगर हम infected suckers को plant कर देंगे तो losses कितने percent हो सकते हैं? Up to 100% भी losses हो सकते हैं infected suckers को plant करने से, ठीक है। Symptoms देखते हैं। Subsequent leaf show dwarfing symptoms. सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो वायरस की डिजीज का होता है, वो क्या होता है? ड्वार्फिंग और कर्लिंग होता है। तो इसमें क्या होता है लीव्स में? ड्वार्फिंग मतलब अलग से अपन को समझ आ जाएगा बनाना के फील्ड में, कि जो पत्तियां छोटी रह गई हैं, थोड़ा मुड़ रही हैं, वो क्या सिम्टम्स है? बंची टॉप का सिम्टम्स है। डार्क ब्रोकन बैंड्स ऑफ ग्रीन टिश्यू इन द वेन्स, जो वेन्स होती है ना उनमें डार्क ग्रीन कलर के बैंड्स इकट्ठे हो जाते हैं। जो लीव्स में ऐसे वेन्स होती हैं, ये पत्तियां हैं, तो ये जो पत्तियों में ये वेन्स होती है ना, यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर के क्या हो जाते हैं? बैंड्स इकट्ठे हो जाते हैं। प्लांट आर एक्सट्रीमली स्टंटेड, अलग से छोटे समझ आ जाते हैं। लीव्स आर रिड्यूस्ड इन साइज, मार्जिनल क्लोरोसिस एंड कर्लिंग। मार्जिन्स में क्या होता है? यहाँ पे ये जो मार्जिन्स है, यहाँ पे क्लोरोसिस देखने को मिलता है और यहीं पे कर्लिंग होती है, ठीक है। मेनी लीव्स आर क्राउडेड एट द टॉप,
जो ऊपर का टॉप वाला हिस्सा है ना, वहां पे बहुत सारी लीव्स एक साथ आके झुंड बना के इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो ऊपर के हिस्से की ग्रोथ नहीं हो पाती है, बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस उसमें से निकलती है। इन्फेक्टेड अर्लियर नो ब्रांच विल बी प्रोड्यूस, और अगर शुरू में इन्फेक्शन हो गया तो वो तो ब्रांचिंग ही नहीं होती फिर, ठीक है। उसके अलावा द डिजीज इज ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाई सकर्स। डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है, सकर्स के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अलग से छोटी पत्तियां, ये इनवर्ड कर्लिंग, ये जितनी भी इनवर्ड हल्की हल्की कर्लिंग दिख रही है, और ये जो मार्जिन है वहां पे क्या हो रहा है, क्लोरोसिस, और ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर के टिश्यूज एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। ये छोटी छोटी पत्तियों में हल्की हल्की कर्लिंग और मार्जिन पे क्लोरोसिस, ये इसका क्या है, मेजर सिम्टम्स है, ठीक है। अब देखते हैं ये स्प्रेड कैसे होती है। ये जितनी भी वायरल्स की डिजीज होती है वो किससे स्प्रेड होती है, इनका कोई ना कोई वेक्टर होता है। इसका वेक्टर कौन होता है, प्लांट पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा इंसेक्ट होता है। ये एफिड होता है, क्या होता है, एफिड होता है, ठीक है। इसका वेक्टर कौन होता है, एफिड होता है, ठीक। उसके अलावा उस एफिड का नाम क्या है, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। द डिजीज कैन बी स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज, वुंड्स एंड इंजरीज। वुंड से इंजरीज से जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज होते हैं उसे भी ये स्प्रेड हो सकती है। फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होती है, हॉट एंड डैम्प वेदर विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल ट्रिगर द डिजीज टू अकर। हॉट वेदर हो सकता है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल हो सकती है, ये सारी कंडीशन में क्या होती है, डिजीज अकर होती है। तो अपन डिजीज का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये अगर सकर से स्प्रेड हो रही तो अपन को क्या करना है, डिजीज्ड फ्री सकर्स यूज करने हैं। कैसे सकर्स यूज करने हैं, डिजीज्ड फ्री सकर्स यूज करने हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, वेक्टर कंट्रोल करेंगे। वेक्टर कंट्रोल कैसे करेंगे, एफिड की पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। मिथाइल डेमेटॉन 1 ml 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर, या फिर मोनोक्रोटोफॉस यूज कर सकते हैं, या फिर फॉस्फोमिडान यूज कर सकते हैं, मोनोक्रोटोफॉस का इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड प्लांट्स आर डिस्ट्रॉयड यूजिंग 4 ml ऑफ 2,4-D। अपन 2,4-D का भी यूज कर सकते हैं इन्फेक्टेड प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इन 50 ग्राम पर 400 ml ऑफ वाटर। 50 ग्राम यूज कर सकते हैं 400 ml ऑफ वाटर में, किस चीज के लिए, 2,4-D को इन्फेक्टेड प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने आज अपन ने क्या देखा, बनाना की इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में। सबसे पहले अपन ने देखा पनामा विल्ट ऑफ बनाना। पनामा विल्ट ऑफ बनाना जो था वो कैसा डिजीज था, फंगल डिजीज था, सॉयल बॉर्न फंगस के कारण हो रहा था वो डिजीज। फिर हमने देखा मोको विल्ट, पनामा जो था वो फंगस के थ्रू हो रहा था। मोको विल्ट किसके थ्रू हो रहा था, बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा था। वो बैक्टीरिया कैसा था, रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था, जो बैक्टीरियल ऊस प्रोड्यूस कर रहा था। उसके अलावा हमने देखा सिगाटोका। सिगाटोका को फिजी में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था 1963 में, और इसमें हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन येलो सिगाटोका एंड ब्लैक सिगाटोका हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने पढ़ा बंची टॉप ऑफ बनाना। बंची टॉप ऑफ बनाना क्या है, क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस की डिजीज है। होती किससे है, वायरस से होती है। इसका वेक्टर कौन होता है, एफिड होता है। पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा इसका क्या होता है, वेक्टर होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा बनाना की इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।